We are the unseen from Pakistan, from Karachi, where we make the rules. When they say we are too small, too weak, we only go stronger. And unprofessional kids make their professional debut in front of thousands. My name is Hamza Ibrahim, NPR Karachi United. Okay, it's my world and not the world I like to. Assalamualaikum. This vlog is sponsored by Fuel. मतलब players के बैग कपड़े से लेकर भाई की सारी outfit तक. Fuel और कैमो तो आजकल चल ही रहा है. Even मैं तो बोलता हूँ मेरा सीना चीर के देखो. उसका नाम नहीं. And this vlog is all about football, based on a true story. When I was 12 years old, मैं 2005 से फुटबॉल खेल रहा हूँ. मेरे लिए उस वक्त फुटबॉल सिर्फ एक एक्सरसाइज थी. फिर असर से मगरिब तक की गेम, रजिस्टर प्लेयर बना, then रेफरी, कोच, फोटोग्राफी, फुटबॉल का सेमिनार स्पीकर तक बना, and then my club become a part of my family. और इतना कुछ करने के बाद फुटबॉल छोड़ दिया, because हमारी सोसाइटी कहती है कि पैशन है पर फ्यूचर नहीं. सॉरी, लेट मी करेक्ट, फ्यूचर नहीं था. अब भाई आया तो कुछ बता कर ही जाएगा. Until Qatar International Spire Academy invited Karachi United under 11 and 12 team to play the national football tournament in Qatar with this sexy boy, not coming slow. और भाई 12 साल की उम्र में अगर मेरे घर कोई पिकनिक का प्लान ही बनता था ना तो कोई रात नहीं आती थी. ये तो फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली बात थी और उन पिचेस पे खेलने वाली बात थी जहाँ पर रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैन्यू जैसे प्लेयर्स आके खेल के गए. इवन दो लास्ट वीक PSG आई थी, अपने नीमार भैया आए थे और हम तो कराची वाले चैलेंज तो छाती पे रखे घूमते हैं. तो पायलट भाई जहाज़ निकालो क्योंकि हम कतर जा रहे हैं. ख्वाब देखने वालों का ख्वाब. इन लड़कों में कुछ ख़ास है, फुटबॉल वाला स्वाद है. ये लड़के हुए बदनाम क्योंकि गेम इनकी बदमाश है. मैं आया था कराची यूनाइटेड के साथ कतर. यहाँ पे हम चिल्ला नहीं सकते पर 25 मतलब कुछ भी मतलब कुछ. चेयर्स भाई. ये नेस्ले का एप्पल जूस था. ऐसे ही मैंने कहा आपको बता दूं. और लैंड होते ही नो रेस्ट. कराची यूनाइटेड वर्सेस कतर का ओपनिंग मैच था उस अंडर 12 टीम से जिनकी मेन टीम अभी 2019 का एशिया कप जीती थी. और वो कतर जहाँ पर अभी वर्ल्ड कप बना है. लेकिन क्या आपने कभी कराची की हिस्ट्री पूछी है? एक जाम फुटबॉल के नाम पी के शाम है गुजारी और वापसी की कश्तियाँ भी हैं जला दी सारी. ओहो मैच हो जाएगा. Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Kind of people had a 4-1 by under 12 और 4-0 by under 11. मैं इस व्लॉग को चाह कर भी इमोशनल नहीं बना सकता. सो अनदर मैच, अनदर डे, अनदर जीत. और यहाँ पर यह गाना मैंडेटरी है, मैंडेटरी बाय लॉ. चेंज रोक बॉल इधर है लेफ्ट सेंटर में. अगर यहाँ आ जाए बॉल, यहाँ आ जाए ठीक है तो फौरन जाओगे शिराज. और दोनों तरफ देखो कदीर या आतिफ एंड पास. ओके मुझे नहीं पता है कोचेज ने क्या बोला पर ये टैपमेंट मुझे मेसी भैया की याद दिला. चौथा गोल पड़ गया है, ये जो अभी आवाज़ थी आप पीछे सुने थे चौथे गोल की थी। तो 4-0 अंडर 12 जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉट कमिंग स्लो। ये आज का था, फिर मिलते हैं आपसे। लोग मुझसे पूछते थे कि फ़ुटबॉल में तुमने क्या सीखा। 12 साल की उम्र में हार को सेलिब्रेट करना सीखा, पहले जीत के लिए लड़ना सीखा और फिर जीतना सीखा, अपने से पहले टीम के लिए खेलना सीखा। And also in the wise words of Ronaldinho, I learned all about life with the ball at my feet. और फिर भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ये सेलिब्रेशन सीखें। भाई एक बात तो क्लियर थी, मैंने बोला 4 टीमों का इंटरनेशनल मैच है, 2 हम जीत चुके हैं, 1 हमें और जीतना है। इतिहास के पन्नों में पाकिस्तान का नाम लिखते हैं, इट्स कमिंग होम का स्टेटस डालते हैं, घर जाते हैं कप लेके, क्या मुश्किल है। तो कोच ने बोला वो सब हम कर लेंगे हमसे, लेकिन तुम्हें कल सुबह 7 बजे पिच पर होना, फाइनल से पहले की प्रैक्टिस करनी, वो मेरे लिए सुबह 7 बजे। कैसे खुलेगा भाई? ओहो चैलेंज मैच है, ब्लॉगर कोचेज एक तरफ और KU के अंडर 12 एक तरफ। जो जीता वो इनकी पीठ पे चढ़ के बाहर जाएगा, जो हारा वो ऐसे पिकी बैक करके हम लोगों को बाहर लेके जाएगा। तो सारे पैसे जीतने के, तो भाई तो है ही प्लेयर। ये 2-1 कैसा लग रहा है आपको? 2-1 कैसा लग रहा है आपको? अरे भाई स्कोरर है, स्कोर उठा रहा है। हाँ भाई, तो फुटबॉल के अलावा क्या स्किल्स है आपके? अजय देवगन का एक्टिंग आता है। अजय देवगन का आता है, तो मैं अजय देवगन का नहीं आता मुझे। अभिषेका सूर्या। मैं कहता हूँ ये फायरिंग के जज्बात दोबारा देखे जाएं। आग जो दिल में लगी उसे दुनिया में लगा दूंगा, जब तेरी डोली उठी ज़माने को जरा। ओके सर। सर पे कपड़ बांधने वाले मोर से नहीं डरते, पर तेरे ज़बान बहुत डरते, मेरा आज ज़्यादा डरते। तू भी करेगा ना लिया पाकिस्तान के साथ, जला दूंगा इसको। कभी कभी अपने को लगता है साला अपो निज भगवान है। काम 25 है छोटे, और उसी प्रैक्टिस की शाम को स्पायर एकेडमी और हमारा फाइनल मैच था, जो सब देखने के लिए आए थे। और सभी को दिखाने के लिए मैंने इस व्लॉग के टाइटल का नाम भी ये रखा है कि मेक देम सी दिल से। I believe every lie that I ever told, paid for every heart that I ever stole. Played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got sold. Somewhere I heard that life is a test. Been through the world, still did my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed. Stand up now. Face the sun, won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. अस्सलाम वालेकुम। KU का मैच था, फाइनल था आज। और स्कोर अगर आपको मालूम करना है कि इफ़ इट्स कमिंग होम और नॉट, तो मेरे प्लेयर्स आ रहे हैं अभी मेरे प्लेयर्स। Everybody मिलेगा आपको ऐसा कंटेंट। थैंक यू सो मच कराची यूनाइटेड एंड फ्यूल फॉर मेकिंग दिस ट्रिप एंड मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल। बहुत कम लोग दुनिया में होते हैं जिनको पैशन के साथ ही पैशन फॉलो करने का मौका मिलता है एंड आई एम वन ऑफ देम। और इफ आई कैन टेल यू समथिंग इन दिस 3 days ऑफ ट्रिप इन कतर, तो आई बिलीव के लोग अपने आप को छोड़कर ज़िंदगी के पीछे भागना शुरू है। ज़िंदगी तो भाई चलती रहेगी, आज आपके साथ कल आपके बगैर। अगर ढूंढना है तो अपने आप को ढूंढो, और अपने आप को ढूंढने के लिए भी पहाड़ की चोटी पे बैठना, फॉरेस्ट में जाना या फिर कोई समुद्र से बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अपने टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी, अपने आर्ट में अपने आप को ढूंढो। नो मैटर इफ योर मदर एंड फादर इज सो इंजीनियर थिंकिंग दैट दे डोंट नो द अपॉर्चुनिटी यू हैव। पर 30 साल 40 साल के जब हो जाओगे और अपने बेटे को कहानी सुना रहे होगे ना, तो उस कहानी के बस तुम हीरो हो। क्योंकि अगर ख्वाब पूरा करना ये है तो अदील, अजान, शब्बीर और हमजा जैसे 1000 लोगों के ये ख्वाब हैं और होंगे पूरे। सो माय नेम इज़ हमजा इब्राहिम। ये था मेरा 12th व्लॉग। मिलेंगे अगले व्लॉग पे। और काम 25 है। मूसा भाई कराची ले जाऊँ। चलो पाकिस्तान जल्दी चलो, चलो पाकिस्तान जल्दी चलो। और भैया हम तो इसके खिलाड़ी हैं ही नहीं, तो मैंने तो पहले से उनसे शर्ट पर साइन ले लिए सबसे। इससे पहले अगर लाइन में लगना पड़े अभी से ले लूँ, क्योंकि मेरे लिए सेलिब्रिटीज़ तो यही है भाई। काम 25 है। उसने धोखा दिया।